नमस्कार छात्रों। तो देखिए, फिजिक्स जो एनसीईआरटी का सार पढ़ा रहे हैं फॉर ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज नोट कीजिए, मोर देन सफिशियंट। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ई एम वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हमने बता दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन है, किसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है, किसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होती है, ये बात कर ली है। कैसे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में वो आज डिस्कस करते हैं। तो आपको फिर से पिछली क्लास जहां से ख़त्म किए हैं वहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कुछ लिस्ट रखा था कि प्रिज्म से गुजरता है, तो उस लिस्ट में कुछ नाम था बच्चों, ऐसे ऐसे सा पहले था भीब गियोर, ये था रेड, लाल, नीचे था वायलेट, बैगनी। ये पूरा को बोलते हैं विजिबल लाइट। देखिए, जब तक स्टार्ट से फिजिक्स का स्टार्ट है, फिर केमिस्ट्री, बायो, साइंस स्पेशल में यदि आप एक एक क्वेश्चन का चाहते हैं कि स्किप ना हो तो पहला लेक्चर देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ से कहीं से बीच में देखने से आपको फायदा नहीं होगा। तो विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो देखिए बच्चों, इसको विजिबल लाइट बोलते हैं, जो सन के लाइट में से निकलता है, जो कलर में रिप्रेजेंट हो जाता है। न्यूटन साहब ने बताया था, इसको पूछता है कि किसने बताया था, लेकिन विजिबल लाइट की खोज किसने की आगे बताएंगे, तो किसी ने नहीं की, क्योंकि विजिबल लाइट कोई खोज सकता है क्या? क्योंकि जब से राम के समय, कृष्ण के समय, बहुत समय पहले से, जब न्यूटन साहब नहीं होंगे उससे पहले से भी लाइट है, लेकिन ये बताए थे कि विजिबल लाइट जो होती है, दिखाने वाली जो लाइट होती है, उसका 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है। इसके बाद बताए थे आपको बच्चों, इसके ऊपर बताए थे कि रेड के ऊपर होता है इंफ्रारेड वेव, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पीछे जा करके पूरा चार्ट देखिए। फिर माइक्रोवेव्स होता है, माइक्रोवेव्स, फिर होता है रेडियो वेव्स, सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे, और इसको बोलते हैं बच्चों अवरक्त तरंगे। फिर इसके नीचे बताए थे यूवी रेज होता है, पराबैंगनी किरण, इसके नीचे होता है एक्स किरण, फिर होता है गामा किरण। इतना आपको पीछे क्लास का समझाए हैं। देखिए बच्चों, इसको बोलते हैं विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। ये जो तीन है ना, इसे इनविजिबल बोला जाता है, अदृश्य। नीचे वाले को भी तीन को बोला जाता है इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देती है। सन के लाइट के साथ ये सभी चीजें चलती है बच्चों, सन के लाइट के साथ ये सभी चीजें चलती है, बट हम देख क्या पाते हैं बस ये विजिबल लाइट को। तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रा रेड वेव्स और रक्त तरंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये कलर होता है। तो
अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये कल बता दिए है कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये दिखाई देती है दिखाई नहीं देती है, गर्माहट कर दी है, त्वचा के लिए हानिकारक होता है, सब पढ़िए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये बता दिए फ्रीक्वेंसी बता दिए है कहाँ से स्टार्ट होता है, वेवलेंथ बता दिए है पिछले लेक्चर में कहाँ से होता है। अब बच्चों एनर्जी पूछ देता है, आपसे पूछ देगा ना कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, इसके बाद जितना इस पर को एक दो क्वेश्चन जैसे पूछेगा वो आपको समझा देते हैं। तो देखिए पेपर में जो है ना कल बताए थे, कलर में अगर पूछेगा वेवलेंथ ऊपर वाला का ज्यादा बताए थे मैक्सिमम, तो पूरा इतने को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। जब सनलाइट चलती है तो ये तो चलता ही है विजिबल लाइट जो दिखाता है हम लोग को वस्तु को, इसके साथ ये भी तीन चीज चलती है ये भी, और सभी को मिला करके ये पूरे सिस्टम को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग में से पूछता है कि विजिबल कौन है, तो आपको कलर बताना है विजिबल लाइट में, पूछेगा इनविजिबल तो इस तीन और तीन सिक्स में से कोई एक नाम दिया रहेगा, आपको टिक लगाना है एग्जाम में। अब बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, यह सब कल का है पिछले लेक्चर का। तो अब समझते हैं कि एनर्जी पूछता है कि एनर्जी उल्टा बता दिए हैं बच्चों एनर्जेटिक। अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, कौन ज़्यादा खतरनाक होती है, आगे पूछता है क्वेश्चन इसी लिस्ट में से कि सबसे ज़्यादा कौन खतरनाक होता है, कौन सबसे खतरनाक होता है, आपको इस लिस्ट को अच्छे से याद करना है, कौन सबसे खतरनाक होता है, किसकी ज़्यादा एनर्जी होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो बच्चों कल बताए थे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आपको बताए हैं, ये जो चार्ट लिखे हैं ना इस चार्ट को अच्छे से लिख देते हैं, यही चार्ट जो है ना आप लोगों के लिए मेन है, अगर इसको माइंड में रख लेते हैं तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। और जब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये हर दिन चार्ट बना रहे हैं हम, तो इसलिए आप इसको अच्छा से बनाइएगा। इसमें होता है वीब गी योर, इसको रेड बोलते हैं, रेड लाल पीछे क्लास में है, यहाँ समझाने के लिए वायलेट वैगनी, और इसके नीचे इस पूरा को ये येलो है ग्रीन है, ये जो है ना ओ होता है वाई वाई ओ आर ऑरेंज वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज सब बता दे, इसको बोला जाता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट एल आई जी एस टी लाइट, दृश्य दृश्य माने दिखाई देने वाला प्रकाश, दृश्य प्रकाश दृश्य प्रकाश। इसके ऊपर बताए थे बच्चों इन्फ्रा रेड वेव्स, शॉर्टकट में लिखे हैं इन्फ्रा वेव, जिसको कहते हैं अवरक्त और रक्त तरंगे, तरंगे कहते हैं तरंगे। इसके ऊपर होता है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे तरंगे। इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर है आपका, इसके ऊपर होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। नीचे बच्चों बताए थे तीन नाम, यूवी रेज, यूवी रेज पारा बैगनी किरण। इसके बाद बताए थे एक्स रेज, एक्स रेज एक होता है गामा रेज, गामा रेज गामा किरण किरण। तो ये बच्चों पिछले क्लास का है, इस चार्ट से कैसे क्वेश्चन आता है इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका सब।
तो आपको क्या समझना है, ये जो है ओ ऑरेंज येलो सब पिछले क्लास में बता दिया गया है। तो पूछेगा मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, अधिकतम तरंग दैर्ध, तो ऊपर वाला का होता है, और अधिकतम अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो नीचे वाला का होता है, और नीचे से जाएंगे उल्टा होता है। तो जब अधिकतम तरंग दैर्ध इसका है तो सबसे कम इसका होगा, दूसरे नंबर पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा, सबसे कम लास्ट में ये होगा, या सबसे कम पूछेगा तो ये होगा, उससे ज़्यादा ये होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, वेवलेंथ पूछेगा तो ऐसे कल समझाए थे। अब बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तरंग दैर्ध आवृत्ति तो आपको समझा दिए कि किसका ज़्यादा होता है एग्जाम में पूछेगा। तो अब आपको समझना है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है और खतरनाक कौन होता है। तो देखिए बच्चों, आपको कल बताए थे कल का कि जो वेवलेंथ होता है ऊपर वाला का ज़्यादा होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, आवृत्ति वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम नीचे होती है, अधिकतम अधिकतम। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी निम्नलिखित में से किसका आवृत्ति ज्यादा होता है, या विच वन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से पूरा नाम देगा तो आपको देखना है कि कौन सबसे नीचे, मान लीजिए कि यहां से उठा लिया है, कि यहां से, कि यहां से, तो नीचे जो होगा वही होगा। अगर पूरा में पूछेगा, पूरा विद्युत चुंबकीय में किसका, तो गामा रेज का। अगर लाइट में पूछेगा किसका, तो बैगनी का। अगर लाइट में सिर्फ पूछे, प्रकाश में, तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट बनता है बच्चों। तो अब फ्रीक्वेंसी जब है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ऊपर वाले की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, मिनिमम माने कम, सबसे कम। अब नीचे आएंगे ना तो बढ़ते जाएगा, नीचे आएंगे तो बढ़ते जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा आवृत्ति घटते जाएगा। अब वेवलेंथ उल्टा होता है, ऊपर वाले इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तरंग दैर्ध रेडियो का ज्यादा होता है, और गामा किरण का कम होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और यदि कलर में पूछे तो रेड का होता है वेवलेंथ ज्यादा, क्योंकि ऊपर है, कल समझाए थे। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एंड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, और पूछता है क्वेश्चन थ्योरी बेस में कि कौन ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए बच्चों, आपको समझाते हैं कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वही खतरनाक होगा, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वही खतरनाक होगा। एनर्जी मीन्स क्या होता है, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, खाते हैं हम एनर्जी लेने के लिए, माने शक्ति, पावर, बढ़िया रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। अगर ज्यादा एनर्जी रहेगा तो ज्यादा मार देंगे किसी को, ज्यादा खतरनाक होंगे। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा खतरनाक है। एनर्जी किसके पास ज्यादा होता है, जो ज्यादा कांपता रहता है, ज्यादा हीट करता है, ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी पहले समझिए किसे कहते हैं, आवृत्ति। देखिए आवृत्ति कहते हैं ना, जैसे कोई लड़का चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो वो तो चक्कर है, लेकिन एक सेकेंड में जितना चक्कर लगाते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि हम पाँच सेकेंड में 500 चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं, या वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, या रोटेशन करते हैं, चक्कर करते हैं, या पंखा है एक सेकेंड में 50 बार घूम गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो गई। तो 5 से कटा देंगे तो एक सेकेंड का चुकी पर निकलेगा 100 चक्कर। तो जो 100 है ना, यही फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी चक्कर पर सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड चक्कर, माने एक सेकेंड में जितना चक्कर होगा ना उसी को आवृत्ति कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड में क्वेश्चन पूछ देगा न्यूमेरिकल बेस में कि कोई फैन है 5 सेकेंड में 500 चक्कर लगाता है तो उसकी आवृत्ति क्या है, तो एक सेकेंड का निकाल लीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला से भी बन जाएगा, या डेफिनेशन से, कंसेप्ट से बनेगा कि एक सेकेंड में जितना चक्कर होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एक सेकेंड में 100 चक्कर हो जाएगा, 5 सेकेंड में 500 बार घूम रहा है, तो एक सेकेंड में कितने बार घूमेगा बच्चों, 100 बार, तो 100 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो ज्यादा घूमता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और ज्यादा घूमेगा कौन, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो खतरनाक होगा। अब पूरा याद रहेगा कि और खतरनाक होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा मूव करेगा। मान लीजिए फील्ड में चक्कर लगाना है, एक लकड़ा लड़का हो गया जिसके पास जाने नहीं है, कम है, एनर्जी कम है, और एक है बहुत जबरदस्त स्ट्रांग है,
एक वीक है, एकदम कमजोर है, एकदम लकड़ा लिपी लिपी लगता है कि मारेंगे एक थप्पड़ गिर जाएगा। एक है ना बहुत जबरदस्त है और एनर्जेटिक है, तो वो ज्यादा दौड़ेगा, फील्ड का चक्कर लगाते रहेगा, कमजोर का है हाफ के गिर जाएगा, तो एनर्जी जो ज्यादा है ज्यादा चक्कर लगाएगा, या एक सेकंड में ज्यादा लगाया तो जो ज्यादा चक्कर लगाया तो ज्यादा आवृत्ति हो गया, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी हो गई तो जिसके पास जान ज्यादा रहता है वो खतरनाक होता है, किसी को मार देगा। तो इसलिए जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है तो नीचे वाले का मैक्सिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम एनर्जी आपको लिख लेना है, ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा। अभी क्वेश्चन देंगे जितना अधिकतम, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है ना इस पर, तो चार क्वेश्चन दे देंगे कि आवृत्ति आप बता सकते हैं, एनर्जी किसका है। तो देखिए मैक्सिमम माने ऊर्जा अधिकतम किसका होगा, नीचे वाला का। ऊर्जा अधिकतम है तो खतरनाक भी नीचे वाला है, तो क्या है तो ऊपर क्या है, देखिए बच्चों ऊपर क्या है तो ऊपर होता है मिनिमम एनर्जी कम ऊर्जा। अब आपको समझाते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाइए, समझिए इसके एक एक चीज को लिखिए, जितना बात भी बोल रहे हैं अगर लिखने लायक हो कि लिख ले तो लिख सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसे इस चार्ट को तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, कैसे ट्रिक बताए हैं, रेड के ऊपर रेड होता है, रक्त का रंग लाल होता है तो लाल रक्त, ऐसे सूक्ष्म, फिर नीचे वाले दो दो एक एक लाइन का होता है, सब ट्रिक बताए हैं। तो अब कंसेप्ट पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा चक्कर लगाएगा, तो ज्यादा चक्कर लगाएगा कौन, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी भी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नीचे वाला का होता है, ऐसे समझिए, नीचे वाला जो रहेगा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एनर्जी। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इन द फॉलोइंग विच वन हैड मैक्सिमम एनर्जी, या विच वन इज मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, या कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें से चार गो ऑप्शन दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि गामा सबसे है तो गामे देगा, चार गो दिया रहेगा। जो सबसे नीचे रहेगा ना चारों में ऑप्शन में देखना, जो नीचे रहेगा उसी को टिक लगाना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल चार नाम दे दिया, एक दे दिया ब्लू रंग, ब्लू रंग दे देगा रंग, एक दे देगा इंफ्रा रेड, एक दे देगा माइक्रो, एक दे देगा यूवी, एक दे देगा एक्सरेज, चाहे इतने रहने दीजिए, चार गो ऑप्शन दे देगा, एक विजुअल लाइट में से कोई कलर दे देगा, तीन गो और नाम पूछेगा किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है बच्चों, तरंग दैर्ध्य कल बताए हैं, वेवलेंथ ऊपर वाला का ज्यादा होता है। तो इस चारों में जो ऊपर पड़ रहा है, कौन ऊपर पड़ रहा है, इंफ्रा रेड, सबसे ऊपर रेडियो होता है, तो रेडियो नहीं है छोड़ देंगे, फिर माइक्रो का स्थान आता है, माइक्रो नहीं है, इंफ्रा रेड हाँ है, तो ये उत्तर हो जाएगा वेवलेंथ पूछेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है आवृत्ति किसका है, चार गो ऑप्शन देके इसी में से कोई ऑप्शन देगा, कलर में पूछेगा तो कलर में तो जानते हैं यहां से यहां तक है, तो ऊपर वाला का अधिकतम नीचे वाला का कम, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति उल्टा होता है। तो अब इसमें अगर आवृत्ति पूछता है या ऊर्जा पूछता है तो जो सबसे नीचे है, तो देखेंगे कौन नीचे है सबसे, तो यूवी है, यूवी के नीचे एक्सवाई है, तो एक्सवाई है या नहीं है, तो यूवी हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट बनाना है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसी में से आएगा कि किसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो ऊपर वाला जो होता है ना कम एनर्जी होता है, कम खतरनाक होता है, इसमें रहेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, इस कलर में भी रहते हैं हम लोग, और रक्त आँच लेते हैं ठंडे में, जो आँच निकलता है ना आग से वही है इंफ्रारेड। लेकिन जब आप यूवी रेज में जाइएगा तो कैंसर, एक्सरे कराते हैं वो इतना खतरनाक है कि किसी को अगर 10, 50, 20 बार, 50 बार एक्सरे कर दिया जाए लगातार तो उसकी सब सेलें डैमेज हो जाएगी और कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा। गामा रेज सबसे खतरनाक, क्योंकि इस सबके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है नीचे वाली को, कम एनर्जी के कारण ही इसे वेव्स कहा जाता है, ऊपर वाले को तरंगे कहा जाता है, और ये तो विजिबल नाम है, अधिक एनर्जी के कारण इसे रेज कहा जाता है, किरण कहा जाता है। तो इतना पूछेगा कि किसका होता है। तो अब आपको क्वेश्चन बनवा देते हैं, जैसे पूछा हुआ जो क्वेश्चन है आपको समझा देते हैं, जैसे समझाए लेक्चर उसी तरह आपको कंसेप्ट बनाना है कि कैसे। तो एक क्वेश्चन पूछा था, इसी में से ये चार्ट आपको रहेगा तभी समझ पाइएगा। क्वेश्चन पूछा था, देखिए क्वेश्चन था विच वन, लिखिए विच वन
हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, विच वन हैज बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, विच वन हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। अब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दिया था, एक था यूवी रेज, यूवी समझ रहे ना, हिंदी मीडियम वाले पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। बी ऑप्शन था आपका, बी था इंफ्रारेड वेव्स औरत तरंगे, इंफ्रारेड। सी था औरत तरंगे, सी था एक्स रेज, विजुअल लाइट, एक्स रेज। और डी था बच्चों विजिबल लाइट। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, आईआर इंफ्रारेड और रक्त तरंगे, एक्स रेज एक्स किरण, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, इसमें सातों कलर। तो इसमें पूछा था कि तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, तो देखिए बच्चों बताए हैं कि वेवलेंथ जो ऊपर होता है उसका ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम इसमें से देखेंगे कि कौन सबसे ऊपर है, तो रेडियो होना चाहिए, क्या रेडियो है, नहीं। माइक्रो होता है, उसके बाद माइक्रो है, नहीं। इसके बाद इंफ्रारेड होता है, हाँ इंफ्रारेड रहता है, लगा देंगे। या आप चारों को सजा लीजिए ऐसे कि कौन ऊपर पड़ता है, जो ऊपर है उसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और आवृत्ति आपको बता दिए कि एक सेकेंड में जो लगाता है वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, जितना चक्कर लगा रहे हैं ना वही फ्रीक्वेंसी होता है। आज इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा, इसीलिए एनर्जी। तो आपके चार टाइप के क्वेश्चन बन गए बच्चे, आप बता सकते हैं किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किसका वेवलेंथ कम होता है, एक क्वेश्चन। किसका एनर्जी ज़्यादा किसका कम होता है, दो क्वेश्चन। किसकी आवृत्ति ज़्यादा किसका कम होता है, एनर्जी ऊर्जा कौन ज़्यादा खतरनाक कौन कम खतरनाक है, ये सब क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे छूटेगा नहीं इसमें से, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक से उठाएगा फिजिक्स के अंदर। अब एक क्वेश्चन आया था, केवल कलर की बात करें तो चार टाइप के क्वेश्चन, एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसी की एनर्जी, समझाएं उसको अच्छा से समझिए, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी ये सब आप कर लीजिएगा। अब केवल कलर की बात करें तो पूछता है क्वेश्चन, केवल कलर की बात करें, अगर कलर में सिर्फ तरंग दैर्ध्य पूछेगा तब रेड का, पूरा में पूछेगा तो ऐसे रेड नहीं लगा देना है कि रेड ऑप्शन में दिया है और रेड लगा दिए। अब देखिए बच्चों आपको समझाते हैं कंसेप्ट, यदि सिर्फ कलर की बात करें, केवल कलर की बात करें, तो क्वेश्चन पूछा था कि विजुअल लाइट का रेंज क्या होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था तो रेंज क्या होता है, इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है, रेंज क्या होता है। क्वेश्चन पूछा था कि विजुअल लाइट होता है उसका रेंज क्या होता है, व्हाट क्वेश्चन आया था, पूरा का नहीं पूछा था, बस इसी का पूछता है, एक एक्स का पूछता है, इसका एक पूछता है स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम पूछता है। स्पेक्ट्रम तो किताब में 12 में पढ़ेंगे तो बहुत दिया है, लेकिन आपको पूरा नहीं याद करना है, बस इसका पूछता है नहीं तो इसका पूछता है एनसीईआरटी से, ठीक। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि केवल कलर की बात करते ऐसे पूछा था कि विच वन हैज या ऐसे पूछा था व्हाट इज रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट।
ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ दिया है, तो किसी एक्स रेज का पूछता है या नहीं तो विजिबल लाइट का। एक्स रेज के लिए इसलिए पूछता है ना कि इसकी खोज रॉन्जनटन साहब ने की थी। रॉन्जनटन बताएंगे इसकी खोज किसने की। ऐसे एक्स का आता है जो कम एग्जाम देने वाले होंगे ना, जो छोटे लेवल का, जैसे पुलिस सिपाही रेलवे से, तो उसको पूरा का नहीं याद रखना है, सिर्फ एक्स का याद कर लेगा हो जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी पीसीएस लेवल का देना चाहे तो सबका एक्स कौन खोज के यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अब देखिए ये हो गया कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का रेंज क्या होता है। इसे रेंज मींस, अगर वेवलेंथ की रेंज को बात करें तो उसी को स्पेक्ट्रम कोई बोलता है। स्पेक्ट्रम कुछ चीज है नहीं, बस तरंग दैर्ध्य का जो रेंज बता दिए। तो बच्चों दृश्य प्रकाश के हिंदी वाले ध्यान देंगे, दृश्य प्रकाश एक एक क्वेश्चन बनवा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में, जो टॉपिक पढ़ते हैं दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य का परास 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 मीन्स रेंज कहाँ से कहाँ, परास कितना होता है, कितना होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, कितना होता है। तो देखिए बच्चों, रेंज का मतलब, परास का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कह रहा है ना कि रेडमी मेरे पास मोबाइल है, कोई कह रहा है कि रेडमी का मोबाइल है या एप्पल का मोबाइल है या कोई भी मोबाइल है, कोई मोबाइल है सस्ता जिसका रेंज बोल दिया, रेंज 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 बोल दिया 10,000 से बोल देगा बच्चों कि 15,000 तक है, 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो मोबाइल 10,000 से कम में नहीं मिलेगा, सबसे कम उसका 10,000 दाम है, अधिक वाला 15,000 का है, इसी के बीच में वो रन कर रहा है। तो उसी तरह जो विजिबल लाइट होता है तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बताए हैं नीचे वाले का होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। तो इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, ये रेंज लिख देना है। दोनों का जब लिख देंगे ना, अब बीच वाले को ऐसे तो सबका याद कर सकते हैं, लेकिन रेंज पूछता है कि इसका रेड का कितना होता है और वायलेट का कितना होता है। तो आपको यही रेंज याद करना है। तो दृश्य प्रकाश के रेंज ऑफ वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की सीमा, सीमा जो होती है, परास को सीमा भी कहते हैं, सीमा सीमा जो होती है प्रास की सीमा, वो 3900 याद कर लीजिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट होता है, मात्रक होता है मेजर करने के लिए, या एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, आगे पढ़ेंगे, एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10^-10 मीटर, मीटर में अगर बतलेंगे तो एक एंगस्ट्रॉन का मान इतना होता है, नैनो में भी पूछता है। तो एक इसका मान होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन। देखिए ये वैरी भी कर सकता है, अलग अलग एनसीईआरटी का डाटा आपको लिखवा रहे हैं, अलग अलग कहीं कहीं बुक में ये दे देता है 3850, ये कुछ डबल के रेंज में होता है, मैंने 39 यहाँ जो देगा उसका डबल, थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकता है 10, 5, 20, 50 इधर उधर, लेकिन यही है इसका रेंज। तो इसका रेंज का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम नीचे वाला का वेवलेंथ कह रहा है बच्चा, आवृत्ति नहीं, वेवलेंथ का ये रेंज है, मैंने तरंग दैर्ध्य। तो सबसे तो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला इसका 3900 होता है, नीचे वाले का 3900 एंगस्ट्रॉन होता है, और जो ऊपर है ना लाल इसका 7800 होता है, 7800। तो इसका जो रेंज बता दिया कि कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना, तो वही रेंज पूछता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब पूछेगा ना, तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन याद कर। अब पंगा क्या फंसता है कि कभी कभी इसको मीटर या नैनोमीटर में दे देता है, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा कि मीटर और नैनोमीटर में कितना देते हैं, मीटर या नैनोमीटर में इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कितना देते हैं, मीटर या नैनोमीटर में आपको समझना पड़ेगा। तो आइए समझाते हैं, जो ये है ना उत्तर को मीटर में या नैनोमीटर में दे देता है। एंगस्ट्रॉन जो होता है ना, अभी तो बीपीएससी में इसका हलवा क्वेश्चन पूछ दिया था वेवलेंथ का, तरंग दैर्ध्य का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन या मीटर होता है, मीटर नहीं रहेगा तो एंगस्ट्रॉन भी होता है, तो एंगस्ट्रॉन टिक लगाना था। तो ये सब छोटा छोटा, तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा यूनिटें पढ़ेंगे, जितना फिजिक्स में है, जितना डायमेंशन है, मात्रक है, सब सिखा देंगे आप लोगों को। तो अब देखिए
ये जो होता है ना, जो बताया कि 3900 एंगस्ट्रॉम टू टू 7800 एंगस्ट्रॉम, तो इसके जगह बच्चों मीटर में भी दे सकता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या बताए, 10^-10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम के जगह 10^-10 लिख देंगे तो हो जाएगा 3900 × 10^-10 टू से ये हो जाएगा 7800 × 10^-10। अब ये मीटर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर में। तो अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो इस पर लगाना है। वेवलेंथ बता रहे हैं बच्चों, वेवलेंथ का रेंज किसका, सिर्फ विजिबल लाइट का माने कलर का, कि बैगनी से लेकर ये बैगनी का है, ये रेड का है। अब कहीं एक बार ऑप्शन में सीजीएल में SSC CGL में इसको नैनोमीटर में दे दिया था, NM दिया था, NM का मतलब नैनो मीटर। तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बच्चा, 10^-9 को नैनोमीटर कहा जाता है। एक मीटर को अगर नैनोमीटर में बदलना हो तो 10^-9 से भाग देना होगा आपको, 10^-9 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो अगर 10^-9 अगर कैंसिल करेंगे तो नैनो में बदलेंगे तो देखिए 10^-9 हो जाएगा, तो 10^1 बचेगा, तो एक 10^9 अगर आप बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर नैनोमीटर में इसको बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, नैनोमीटर में अगर करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक एक देखिए 10^-9 में बदलेंगे तो 9 तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो 10 खत्म हो जाएगा। तो 390 नैनोमीटर से आपको याद रखना है, इसमें 9 वो जाएगा तो एगो 10^-1 बचेगा, तो 1 का मतलब 10 खा जाएगा, तो 780 नैनोमीटर। तो ये दिया था ऑप्शन, तो इसी चीज़ को ऐसे भी दे सकता है, नैनोमीटर में 390 से 780 याद रखना है, मीटर में इतना और एंगस्ट्रॉम में इतना। तो ये वेवलेंथ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंगस्ट्रॉम डबल के रेंज में होते हैं, लगभग डबल होते हैं इसका रेंज, ऐसे याद रखना 7800 से। अब एग्जाम में नैनोमीटर, एक नैनोमीटर बराबर एक बराबर क्या होता है 10^-9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर याद रखना 10^-10 मीटर। अब बिहार PCS में तो आपको ये जो BPSC होता है उसमें पूछ दिया था वेव लेंथ का मात्रक, तो एंगस्ट्रॉम या मीटर, एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब देखिए मीटर में जो लिखे हैं ना, इसको प्रॉपर तरीका होता है कि दशमलव के एक अंक तक लिखा जाए। तो मीटर वाला जो है ना, ऐसे ना देखे, ऐसे भी कर सकता है, 3.9 × 3, 1, 2, 3 स्थान पर दशमलव, तो 3 × 0 खत्म हो जाएगा, तो 10^-7 बचेगा। से इसमें भी यहाँ दशमलव होना चाहिए, कुछ रूल होता है जिसे कहते हैं सार्थक अंक का, कि जब भी दशमलव हो तो दशमलव से पहले 10 से कम अंक रहना चाहिए, ज़्यादा है इसलिए 7 बना दिए, इसको 3 बना दिए, ये रूल होता है। तो -7 ये ऑप्शन रहेगा आपको मीटर में, तो वही चीज़ है, सब सेम है, तो कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो पूछता है अगर विजिबल का, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में, टिक लगाना है, तो विजिबल लाइट का। अब एक और रेंज आपको विजिबल का याद रखना है, ये एक याद रखना है आपको एक्सरेज का, क्योंकि एक्सरेज का क्यों पूछता है और किसी का नहीं याद रखना है आपको, अगर सिर्फ एक्सरेज का, क्योंकि एक्सरे की खोज की रोंजन थाम ने, रोंटेन आगे लिखवाएंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए पूछता है ना कि फिजिक्स में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला है ना, एक्सरेज के खोज के लिए ही मिला है, और वो रंजन साहब को ही मिला है, इसलिए एक्सरे के खोज वाला जो क्वेश्चन है ना, ज्यादा एग्जाम में देता है। तो एक एक्सरेज का जो रेंज होता है ना, एक्सरेज ये याद कर लेना, ये पूछता है एक्सरेज, एक्स किरण, किरण का वेवलेंथ, वेव लेंथ, लेंथ का तरंग दैर्ध्य जो होता है लगभग, अप्रॉक्स लगभग होता है एक एंगस्ट्रॉम कोटि का, एक एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना है इसका जो होता है ना, एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक्स रेंज का पूछ देता है एग्जाम में, अब पढ़ेंगे बच्चों कि ऊर्जा ज़्यादा किसकी होती है, SSC में पूछा था कि ऊर्जा ज़्यादा किसकी होती है, अभी SSC CGL हुआ था, SSC CGL में एक क्वेश्चन पूछा था CGL में कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, चार ऑप्शन दिया था, विच
वन हैज मैक्सिमम 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 एनर्जी एनर्जी किसकी ऊर्जा किसकी ऊर्जा ऊर्जा अधिकतम होती है अधिकतम होती है। तो आपको टिक लगाना था, आपको टिक लगाना था, ऑप्शन था किसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है एनर्जी, तो ऑप्शन था माइक्रो माइक्रो, दूसरा ऑप्शन था इंफ्रारेड, तीसरा था यल विजिबल, तीसरा था एक्सरेज एक्सरेज, चौथा था यूवी रेज यूवी रेज। तो ये पूछा था किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे कि इंफ्रारेड और रक्त तरंगे कि एक्स रेज एक्स किरण कि यूवी रेज पराबैंगनी किरण। तो देखो बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी अभी समझा है कि ताकत वाला, तो नीचे वाला का ज़्यादा होता है, तो नीचे इसमें से कौन है सबसे, एक्स है, गामा तो है सबसे नीचे है, तो गामा ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद एक्स है नीचे सबसे, एक्स ऑप्शन में है तो एक्स किरण हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एनर्जी पर पूछा हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि किसकी खोज किसने की, इसमें आता है कि किसकी खोज किसने की, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब बात कर लेते हैं कि किसकी खोज किसने की, आपको ये याद रखना है। तो देखिए बच्चों, यदि आप कम पढ़ना चाहते हैं छोटे लेवल के एग्जाम के लिए, तो आप सिर्फ एक्सरेज का पूछिएगा, पांच बार अभी एक साल में पांच एग्जाम हुआ था, पांचों में पूछा हुआ था 2018 में, मैंने ये बार बार कितना बार पूछ लेता है, अगर लगता है एग्जामिनर को क्वेश्चन बना है, तो एक्सरेज तो एक्सरेज का रोन्तन। तो आप सबको हम बता देते हैं खोज किसने डिस्कवर किया, किसने किसने खोजा, ये लिखना है आपको कि किसकी खोज किसने की, हु हैज डिस्कवर्ड, हु हैज डिस्कवर्ड, किसने खोजा, इन्वेंशन नहीं आविष्कार नहीं किया है, खोजा गया, ये पहले से है, पहले से थी। तो रेडियो की कहेगा, तो आपको याद रखना है हर्ट्ज हर्ट्ज एच ई आर टी जेड हर्ट्ज 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 आपको याद रखना है हर्ट्ज बच्चों, याद रखना है। रेडियो वेव्स की खोज किसने की, तो हर्ट्ज था, हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, आपको ये। माइक्रो की खोज किसने की, तो माइक्रो को आपको याद रखना है, पहले बोल देते हैं आपको, माइक्रो की जेसी बोस नाम के साइंटिस्ट से जेसी बोस ने किए थे, जेसी बोस। इसके बाद आता है इंफ्रारेड के विलियम हर्सेल साहब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने की। फिर से याद कीजिए, रेडियोवेव की खोज किसने की, हर्ट्ज साहब ने। माइक्रोवेव्स की खोज किसने की, जेसी बोस। और इंफ्रारेड की खोज किसने की, विलियम हर्सेल। अब आपसे मेन क्वेश्चन है कि विजुअल लाइट की खोज किसने की, तो विजुअल लाइट की खोज किसी ने नहीं की, क्योंकि विजुअल लाइट कोई खोज सकता है क्या, अरे विजुअल लाइट सन के लाइट को कहते हैं, सन के लाइट को, और उसमें जो जो होता है ना, वो बताया गया कि 7 कलर होता है, तो विजुअल लाइट की खोज किसी ने की, ये जब से है सन, जब से है पृथ्वी, तब से है, खोज किसी ने नहीं किया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा कि विजुअल लाइट में या सनलाइट में किसने बताया कि ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, तो न्यूटन साहब। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि विजुअल लाइट का डिस्कवर नहीं पूछेगा बच्चों, इसका पूछेगा कि किसने खोजा, रेडियो वेव्स की खोज किसने की, माने वो खोज का मतलब क्या हुआ। देखिए कहानी जो पहला लेक्चर होता है ना, उसमें कि ये जानते थे, इन्होंने हर्ट ने आए ये कहे कि ये है, इसके बाद ये आया तो कहे कि ना माइक्रो भी इसमें होता है, इसका काम बताएंगे आगे कि कौन ब्लूटूथ में वाईफाई में काम होता है, इंफ्रारेड का बता दिए, इसका बता दिए, विजिबल दिखाने का काम करता है, तो सब आएंगे। तो हर्ट साहब आए तो वो कहे कि नहीं रेडियो वेव्स भी इसमें होता है, तो इतना अभी तक हो सकता है, आप भी पढ़कर आगे जाएं, एक और खोज दे कि इसमें एक और भी होता है सनलाइट में, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आठवां नाम आपका आ जाएगा। तो जो साइंटिस्ट आएंगे भविष्य में आगे होता जाएगा। तो पहले तो ये भी था, उसके न्यूटन के पहले तो बस एक लाइट जानते थे कि सूर्य की लाइट है, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो विजिबल लाइट की खोज किसी ने नहीं की है, विजिबल लाइट की खोज पूछेगा ही नहीं, पूछेगा विजिबल लाइट, लाइट जो दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश
प्रकाश, विजिबल लाइट जो होता है दृश्य प्रकाश, सात रंगों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन माने मिश्रण है। किसने कहा, किसने बताया, बताया तो आपको लिखना है न्यूटन, न्यूटन आंसर लिखना है न्यूटन। ये पूछेगा कि विजिबल लाइट जो सात कलर का कॉम्बिनेशन है किसने बताया, न्यूटन साहब ने, खोज नहीं कि ये बताया कि इसमें सेवन कलर होता है। अब एक है, अब यूवी रेज की खोज किसने, ये तो सातों हो गया विजिबल में, किसने खोजा, किसी ने, यूवी रेज की खोज किसने की, सबका नाम लिख दिया है। यूवी रेज की खोज पूछता है, यूवी रेज की खोज किसने की, तो रिटर नाम के साइंटिस्ट थे, रिटर, आर आई डबल टी ई आर, रिटर, री टर, हिंदी में सब लिख लेना, जेसी बोस, विलियम हर्सेल, वही नाम होगा, हिंदी बस लिखना है विलियम हर्सेल, और इसके बाद रिटर नाम के। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम डायरेक्ट आता है, रोन्जटेन, स्पेलिंग थोड़ा रोन्जेन लेकिन रोन्जटेन लिखते हैं, लेकिन रोन्जन, रोन्जन ऐसे होता है, रोन आधा जन, रोन्जन, रोन्जन साहब ने खोजे थे। और गामा के याद रख लेना बच्चों, रिटर, देखो यहाँ से नहीं विजिबल होगा, यूवी रेज की खोज किसने की, रिटर ने साइंटिस्ट, एक्स रेज रोन्जटेन, रोन्जन पढ़ा जाता है, टी साइलेंट होता है, रोन्जेन, रोन्जन, रोन्जन कह सकते हैं। इसलिए ये पूछता है कि रोन्जन को ही फिजिक्स में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था एक्स रेज के खोज के लिए, पूरा फिजिक्स में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज रोन्जन को मिला था, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स इज कौन, रोन्जटेन। और गामा का पूछता है पॉल बिलार्ड, पॉल बिलार्ड याद रखना है, पॉल पी ए यू एल, पॉल बिलार्ड, वी लार्ड, आपका कंप्लीट हो गया। तो किसका खोज किसने किया, फिर से सुन लीजिए बच्चों, किसकी खोज किसने की क्वेश्चन पूछता है, तो गामा किरण की खोज किसने की, पॉल बिलार्ड ने, पॉल बिलार्ड, पॉल बिलार्ड, पी ए यू एल लिखे हैं, पी ए यू एल वी आई डबल एल ए आर डी, पॉल बिलार्ड, एक्स रेज की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटेड आने वाला एक्स रेज, रोन्जन या रोन्जटेन। रिटर यूवी रेज की खोज, रिटर विजिबल लाइट की खोज किसने नहीं की, हाँ किसने बताया कि लाइट, सनलाइट सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होता है, या विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश सात रंगों का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूटन साहब। इंफ्रारेड और रक्त की खोज विलियम हर्सेल, माइक्रो सूक्ष्म की खोज जेसी बोस, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज। तो इतना आपको याद रखना है, और अगर आप चाहते हैं सक्सेस होना तो इस चैनल को हैशटैग करके इतना शेयर कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें, हम मोटिवेट होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, हमें क्या हो, इसी से हमें ताकत मिलेगा, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।